दिग्विजय सिंह के भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे बंटाधार रिटर्न बताया। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को कोई चुनौती मानने से इनकार करते हुए कहा है कि चुनाव हम जीतेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से भोपाल संसदीय क्षेत्र में रोचक मुकाबला होने की संभावनाएं बढ़ गई है, क्योंकि दिग्गी को कैंडिडेट बनाने के साथ ही भोपाल एमपी की सबसे पॉपुलर सीट हो गई है और अब भाजपा भी यहां से किसी बड़े चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी में है। पहले अटकली थी कि नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा जा सकता है, लेकिन मुरैना से टिकट मिलने के बाद अब अमित शाह किसी बड़े चेहरे पर दांव लगाने के मूड में है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय की एंट्री को बंटाधार रिटर्न बताया और कहा कि दिग्गी के चुनाव लड़ने से भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। भाजपा गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और हम जीतेंगे। पार्टी जो सोचेगी वो कैंडिडेट होगा। बंटाधार रिटर्न है तो शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के सामने आज कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि भोपाल नहीं जीतेगा। वहीं शिवराज ने 2003 का बदला लेने के सवाल पर कहा कि मैं बदला लेने की कुरूति में नहीं हूं, मेरा मिशन जनता की सेवा करना है। मैं बदला लेने की कुरूति का नहीं हूं, मैं सेवा करता हूं और मिशन के लिए काम करता हूं। मेरा मिशन है जनता की सेवा, प्रदेश का विकास और अपने देश को आगे बढ़ाना। बदला काहे का लेना। कुल मिलाकर ये तो तय हो गया है कि भोपाल में लोकसभा चुनाव का हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।